नमस्कार, मैं पीयूष स्वागत करता हूँ आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज दुनिया के उस समाज की चर्चा करेंगे जिसका पूरी दुनिया में सर्वाधिक शोषण हुआ है। जी हाँ, क्योंकि मौका ही है ऐसा 9 अगस्त का, जो कि वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में विश्व मूल निवासी दिवस कहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यह दिवस क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, पूरी दुनिया में इसके क्या मायने हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों, इस दिन को मनाने की शुरुआत 4 दिसंबर सन 1994 से मानी जाती है, कि जब यूएन की जनरल असेंबली में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। और 9 अगस्त तारीख चुनने के पीछे कारण यह था कि यूएन की जो वर्किंग कमेटी थी, जो कि इंडिजिनियस पीपल के ऊपर बनाई गई थी, जिसे यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल कहा जाता है, उसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वह 9 अगस्त के दिन ही हुई थी। इसलिए इस दिन को मनाने के लिए इस तारीख का चुनाव किया गया। यह मुख्य रूप से उनके मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोटेक्शन या उनको बढ़ावा देने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल निवासी किन्हें कहा जाता है, मूल निवासी होते कौन है। दोस्तों, मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र या फिर एरिया, जिसे हम कोई एक विशेष शहर हो सकता है, एक प्रदेश हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा भूभाग हो सकता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ग्रुप के लोग, एक क्लोज ग्रुप के लोग हजारों सालों से रहते हुए आए हों, और उनका उस पर्टिकुलर एरिया से ऐसा संबंध हो गया हो कि जैसे वो प्रकृति में बिल्कुल उसकी घुल मिल गए हों। अगर उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जाए तो उनके सर्वाइवल पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाए, इन्हीं लोगों को मूल निवासी कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इन मूल निवासियों की अपनी एक अलग से संस्कृति होती है, इनकी अलग से भाषा होती है, इनके त्यौहार और जो धार्मिक मान्यता है वो भी अलग होती है। मुख्य रूप से जो पूरे विश्व में मूल निवासियों के जो ट्रेंड्स देखे जाते हैं, तो यह मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। प्रकृति में जल, अग्नि, वायु, जो भी इनको अपने आसपास दिखा, पेड़ पौधे, जानवर, इनकी ही इनने उपासना करी, इनकी ही इन्होंने उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने जो भी धार्मिक अनुष्ठान या जो भी इनकी संस्कृति या फिर इनकी जो पेंटिंग है उसमें प्रकृति के साथ इतना घुला मिला यह समाज है। यह मूल निवासियों की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि क्या जरूरत पड़ी इस दिन को मनाने की, भैया क्यों मनाया जाता है मूल निवासी दिवस। तो मूल निवासी दिवस को मनाने का कारण यह रहा कि इसके पहले मैं आपको ले जाता हूँ सन 15वीं से 16वीं शताब्दी के यूरोप में, जब यूरोप में ज्ञान विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रसार प्रसार हो रहा था। अंधकार युग से बाहर निकलकर यूरोप ने ऐसी छलांग लगाई थी कि अब उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो लालच में तब्दील हो चुकी थी, और यहीं से शुरुआत होती है उपनिवेशिक काल, जिसे कॉलोनिज्म कहते हैं, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद, जो कि मानव की लालच की पराकाष्ठा है, उसकी शुरुआत होती है। अब क्योंकि इनको अपना जो पुरानी दुनिया की जो देश थे वह कम पड़ने लग गए अपनी लालच के लिए, तो यह तलाश में नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड की तलाश में निकले। और यूरोपियंस, जिसपे इंग्लिश, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज ये सब लोग शामिल थे, यह पहुँचे कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में। इनको लगा कि हम तो सबसे पहले पहुँचने वाले यहाँ पर लोग हैं, इसके पहले तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं होगा। परंतु ये लोग गलत साबित हुए। यहाँ पर पहले से ही लोग रहते थे जिन्हें कहा गया एबोरिजिनल पीपल। दोस्तों, इन अभियानों में आपने तो कोलंबस का नाम सुना होगा, और ऑस्ट्रेलिया में गए कैप्टन कुक का भी नाम सुना होगा। दोस्तों कहते कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, पर नहीं, वो अमेरिका पहुंचा था पर उसके पहले भी वहाँ पे लोग रहते थे। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था पर उसके पहले भी वहाँ पे लोग तो रहा ही करते थे। यही एबोरिजिनल और मूल निवासी कहलाते हैं। और इन्हीं के साथ जो अत्याचार हुए ऐसा कहा जाता है, दोस्तों काफ़ी ये मान्य फैक्ट है, अमेरिका में एक रिसेंट स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि 6 करोड़ लोगों को यानी कि 6 करोड़ मूल निवासियों को इस जो नए लोग यूरोप से वहाँ पे जाके बसे, इन्होंने उन लोगों 6 करोड़ लोगों का नरसंहार किया है। इमेजिन कीजिए, 6 करोड़ लोगों को मारा होगा। अब इनमें तो ज़्यादातर लोगों को तो उन्होंने हाथों से, बंदूकों से, तलवारों से, जैसे तैसे भूखमरी के कारण मारा, उनके संसाधनों पे कब्जा कर लिया, तो बेचारे क्या करेंगे, तो इस तरह से मरे। परंतु कुछ लोग इनमें ऐसे भी मरे जो कि ये बीमारियाँ अपने साथ लेके गए, जैसे कि सिफिलिस जैसी, जो कि एक सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, और अन्य कई तरह की नई बीमारियां लेके गए जिनकी प्रतिरोधक क्षमता इन नेटिव एबोरिजिनल लोगों में नहीं थी,
उसके कारण भी कई सारे जो नेटिव अमेरिकन्स थे या नेटिव साउथ अमेरिकन या कैनेडियंस थे, ये सब इसी के कारण मारे गए। इनको इन्होंने नाम दिया था रेड इंडियंस। हॉलीवुड में भी इस विषय पे काफ़ी अच्छी फिल्में बन चुकी है, आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, और जब अमेरिका अपनी एक आइडेंटिटी वाइट लोगों की जो सुप्रीमेसी की आइडेंटिटी बनी, तो कोलंबस डे इन्होंने बनाना शुरू किया। परंतु धीरे धीरे जब ये अफ्रीका में भी गए या यूरोपियंस लोग, तो इन्होंने वहाँ पे भी अत्याचार किए। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पे माइनॉरिटी में होने के कारण भी वाइट पीपल ने अपनी जो थी सत्ता स्थापित कर ली थी। परंतु अफ्रीका में जो नेटिव लोग थे, यह पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा थे, इनको यह लोग उतना जिनोसाइड नहीं कर पाए उस स्तर तक जितना भारत में भी। इस कारण ये लोग जो भारत के मूल निवासी है उनका भी ये इतनी तरह से जिनोसाइड नहीं कर पाए। भारत की चर्चा खैर हम बाद में करेंगे, अभी वर्ल्ड की चर्चा कर लेते हैं। नहीं कर पाए क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा थे, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ये लोग कम थे। और कब इनकी क्योंकि शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूरोपियंस बहुत उन्नत थे इनसे, इसलिए वह उनको मारते गए। अब इनको मारने का एक और बहुत बड़ा कारण था जो कि धार्मिक कारण था। अभी जितने भी अभियान ये जो यूरोपियंस के गए थे, यह चर्च से स्पॉन्सर होते थे, और क्योंकि चर्च उस समय बहुत पावरफुल होता था, तो उन्होंने पहले तो इन लोगों को इंसान मानना बहुत मुश्किल हुआ इन लोगों के, ये इंसान भी होते हैं। उन्होंने सोचा क्या इनके अंदर आत्मा भी होती है, पर फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें जो इनका जो प्रकृति पूजा का जो नेटिव इनका जो धर्म था उसको उन्होंने कहा कि ये तो शैतान की पूजा करते हैं, इसको छोड़ो और तुम आ जाओ ईसाईयत में, ईसाई धर्म को अपनाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। दोस्तों, जो इनका साम्राज्य का जो राजा था उसी को भी बाइबल दी गई, उससे कहा कि ये इसे अपनाते हो, उसको समझ में नहीं आया, उसने वो किताब खोली और उसको फेंक दिया। तो इनका साम्राज्य जो था, जो नेटिव अमेरिकन का इतना बड़ा साम्राज्य था, माया सभ्यता थी, उसके जो राजा को उन्होंने वहीं पर सरकाट के मार दिया। और फिर एक के बाद एक जो स्पेनिश वहाँ पे गए थे उन्होंने लगातार मारते गए। और आज आप साउथ अमेरिका में जाके देखेंगे जितने भी देश है, अर्जेंटीना, चिली वगैरह, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही एक डोमिनेंट धर्म है, वहाँ का नेटिव धर्म तो आपको यदा कदा ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो जिनोसाइड हुआ, इसी के जो प्रतिकार स्वरूप कि अब उनको वाइट लोगों में थोड़ी गिल्ट आने लग गई कि यार हमने 90-95% लोगों को तो मार दिया, चलो अब कुछ अच्छा ऐसा लीपा पोती करते हैं। तो उन्होंने मान लो यूएन में बैठ के चला कह दिया कि चलो अब नेटिव एक मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाए, और इनको लॉलीपॉप पकड़ा दी। और जो भी अमेरिका में भी आप मूल निवासी दिखेंगे, उनके लिए जो रिजर्वेशन कैंप्स बनाए गए हैं पर्टिकुलरली, दोस्तों वहाँ पर भी उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर यानी कि आप कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखना यूट्यूब पर कि वो लोग शराब के नशे में डूबे हुए हैं, उनका कोई देखने वाला है, पूछने वाला नहीं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है बड़ी ही खराब है उस क्षेत्र में। तो यह इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जब हो रहा था, तो अफ्रीका और अमेरिका में से यह आवाज़ उठने लग गई थी कि नहीं, अब जो मूल निवासी है, जो कि साफ अंतर आप देख सकते हो एक अफ्रीकन मूल निवासी में और यूरोपियन आगंतुकों में, तो कहा कि यह लैंड पे हम इतने सदियों से, इतने हजारों सालों से रहते हुए आए हैं, हमें तो कुछ हक दीजिए, हमें तो जो तरक्की हुई है इसका फ़ायदा मिला ही नहीं, तो इसलिए भी इस देश और हमारी जो संस्कृति, हमारी भाषा है, ये धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में मूल एबोरिजिनल 7000 एबोरिजिनल लैंग्वेज है, 7000 से भी ज़्यादा एबोरिजिनल लैंग्वेजेस है, यानी कि मूल निवासियों की या फिर ट्राइब्स की अलग अलग लैंग्वेजेस है, जो कि बहुत तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। हर साल कोई ना कोई लैंग्वेज लुप्त, 2-3-4 लैंग्वेज तो लुप्त होती जाती है। तो इनका संरक्षण और इनकी संस्कृति को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए भी ये इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अब दोस्तों, भारत में हम देखें तो भारत की जहाँ तक हम संविधान की बात करें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में आदिवासी शब्द ज़रूर है, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यह इन नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे वनवासी या फिर ऐसे लोग जो कि बहुत सदियों से ना तो वो शहर में रहते थे, ना वो लोग गांवों में रहते थे, वह जंगल में एक ट्राइब जो होती है, जिसे जनजाति कल्चर कहते हैं, उसमें रहा करते थे। इनकी प्रकृति पूजा की परंपराएं हैं, इनकी अलग से भाषाएं हैं अपनी, जो कि बहुत ही डिस्टिंक्ट है वाकई में अपने आप में। इनकी भाषा अलग है, इनके त्यौहार भी थोड़े अलग हैं, इनकी संस्कृति बिल्कुल एकदम एक प्रिमिटिव जो रिलीजन होता है, जैसा कि हम देखते थे कि वैदिक काल से पहले का जो समय था उसमें जिस तरह की जो रिलीजन था, बिल्कुल आज भी जो आदिवासियों की मान्यता थी वह वैसी ही है, जैसे कि प्रकृति की उपासना करना, पशुपति इनकी उपासना करना,
पक्षियों में भगवान देखना, वायु, अग्नि, जल, इनको, इन तत्वों की उपासना करना। मैंने अभी एक संथाल जनजाति पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों साहब, मैं एक बात आपको शुरू में बतानी थी वह भूल गया कि वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों वर्ष 2022 में जो ये विश्व मूल निवासी दिवस है, इसकी थीम है वह यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इन कंजर्विंग प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में महिला की क्या भूमिका है। तो दोस्तों यही देखिए, हमारी एक संथाल ट्राइब से एक द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अपनी क्षमता के दम पे इतनी आगे बढ़ी कि आज देश के सर्वोच्च पद पे उनको स्थान दिया गया है। तो दोस्तों हमें तो पता, हमारे देश को तो इस थीम के यानी कि होते हुए ना होते हुए भी हमने एक ट्राइबल महिला को इतना सम्मान हमारे देश के लोगों ने दिया है। तो यानी कि ये भारत के संविधान की जीत है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत है कि इसमें एक ट्राइबल व्यक्ति भी आगे निकल के देश के सर्वोच्च पद पे जा सकता है। तो दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यही है कि आदिवासी ही है हमारे देश में। तो अब दोस्तों इनके भी हमें कुछ अधिकार है, उनका भी शोषण हनन होता रहता है, उनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए, जिसका संविधान में तो विशेष प्रावधान है ही, पर कुछ और भी ज़्यादा अभी हमें आवश्यकता लग रही है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के लिए जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है, यदि वहाँ पर कोई ट्राइब रह रही हो तो उनके अधिकारों का संरक्षण हमें अच्छे से करना चाहिए। जो भी उद्योग वहाँ पर लग रहा है वहाँ पर इन्हें नौकरियाँ दी जानी चाहिए, तथा उसका जो लाभांश है उसमें भी कुछ परसेंट ना इन ट्राइबल्स लोगों को ज़रूर देना चाहिए, इनके विकास के लिए खर्च करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पैसा दे दिया, इनके विकास के ऊपर खर्च हो, इनके स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं पे, जहाँ पे जंगल जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, वहाँ पे अच्छे शिक्षा के स्कूल स्थापित किए जाए, वहाँ पे अच्छे टीचर्स की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह लोग मुख्य धारा के लोगों से किसी भी मामले में कम नहीं रहे, चाहे ये अपने ओरिजिनल परिवेश में रहे या फिर यह शहर में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे। यह इनका शिक्षा का स्तर और एक शहर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी शिक्षा के स्तर में अंतर को कम से कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछड़ेपन का कारण भी तो यही रहा कि शिक्षा से इनकी आधुनिक शिक्षा जो भी विज्ञान चल रहा है इससे इनकी पहचान नहीं हो पाई, परख नहीं हो पाई। तो यह एक बहुत ज़रूरी बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो यदि चीज़ें अच्छे से संभाल ली गई तो आप देखिएगा कि यह बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि इस साल की थीम है क्या है, नॉलेज, जो ट्राइबल जो मूल निवासियों का नॉलेज है, इससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अभी हमेशा चर्चा चारों तरफ चर्चा हो रही है एनवायरनमेंट, प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बना के रखा जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दो, ये कर दो, ढिमकाना कर दो। अरे अपने आदिवासी लोगों से ही सीखो, बांस की टोकनियाँ बनाना, पत्तलों जो पत्ते के जो बर्तन बनते हैं उसमें खाना, प्रकृति से जितना लेना वापस उसको लौटा देना बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स या प्लास्टिक के यूज़ किए बिना, ये हमें सीखने की ज़रूरत है हमारे ट्राइबल से। और ख़ासकर इसमें जो महिलाओं पे एम्फेसिस दिया है कि महिलाओं को ही हमें आगे करना है और महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना है इस जो ट्राइबल नॉलेज के प्रिजर्वेशन और इसके ट्रांसमिशन में, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनका ये जो ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान, ये जाता जाए। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जी हाँ दोस्तों, जो इनका ट्राइबल लोगों का जो ज्ञान है जड़ी बूटियों का, यह बहुत तेज़ी से खोता जा रहा है हमें इसको, क्योंकि यह कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जाता है, तो हमें इसे लिखित में रख लेना चाहिए और इस पे जो भी अनुसंधान हो उससे जो भी राशि प्राप्त हो उसका एक हिस्सा ट्राइबल्स को दे देना चाहिए और इनको एक विशेष कुछ जैसे ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जिससे यह मुख्य धारा में आके भी एक अलग से एक ट्राइबल औषधि कुछ करके ऐसा बनाया जाना चाहिए, जिससे यह जो इनकी औषधि पद्धतियाँ हैं, या तो इसको आयुर्वेद में ही सम्मिलित किया जाए। वैसे आयुर्वेद में भी काफ़ी वो चीज़ें हैं जो ट्राइबल कल्चर से आई है, आयुर्वेद कहीं अलग से नहीं आया है, यह भारत के लोगों का समूल जो क्या कह सकते हैं ज्ञान का समुच्चय ही था जो आयुर्वेद में लिखा गया है। और यदि कुछ और नई चीज़ आती है तो भी उसमें ऐड की जानी चाहिए, ताकि ट्राइबल नॉलेज हमारा खोए नहीं। दोस्तों यही था इस दिन का सिग्निफिकेंस, और आपके जो भी विचार हो आप कमेंट में बताइए कि आप इस दिन में और क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि हमारे जनजातीय लोगों की आर्थिक रूप से भी वो सक्षम बने और शैक्षणिक रूप से भी वो सक्षम बने। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।